आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। फाइनली इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी RRC का रिजल्ट के बारे में। आप लोग इस वीडियो को पहले पूरा देखिएगा फिर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं और पहले ही कमेंट कर देते हैं। यहाँ जो है मैं एक वीडियो बनाया था और बताया था रेलवे ग्रुप डी के बारे में, तो यहाँ पर विकास कुमार जी ने कमेंट किया है कि आज शाम 6 बजे आएगा रिजल्ट पक्का। इसी के ऊपर मैं वीडियो बनाया है, आप लोग भ्रम में ना रहे, इसलिए मैं आपको पूरे A to Z कन्फ्यूजन डाइव करने वाला हूँ और साथ ही साथ एक न्यू अपडेट देने वाला हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आप लोग का कमेंट जो रहता है कि आपने फेक वीडियो बनाया है कि रेलवे ग्रुप डी का परिणाम घोषित नहीं हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, नहीं हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप ही लोग का सबसे ज़्यादा कमेंट रहता है कि यही सब, आज शाम 6 बजे आएगा रिजल्ट, परिणाम घोषित। तो अन्य जो बच्चे हैं जो देखते हैं वीडियो, वो बोलते हैं कि हाँ आने वाला है, पूरा रेडी हो जाता है, परेशान कर देते हैं कि हाँ रिजल्ट आ गया। तो इससे आप लोगों का सावधान रहना है, जब तक आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना मिले तब तक आपको किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना है। और ये भी कमेंट था कि लिंक एक्टिवेट हो गया, कैसे चेक करें आप बताइए, इसके ऊपर वीडियो बनाइए। और मैं इसमें बताने वाला हूँ कि 3 चरणों में होगी सिलेक्शन, पहले आएगी रिजल्ट, फिर आएगी कटअप। तो कटअप आप लोगों का डिमांड था कि पहले ही कटअप आ जाएगा, तो नहीं, पहले रिजल्ट आएगा फिर कटअप होगा। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ और ये जो है आपको समझना होगा कि रिजल्ट जो है कब जारी होगा और क्या होगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए, वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। और इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो नीचे दिए लाल बटन में क्लिक करके जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग आने वाला हर वीडियो आपको मैं देते रहूँगा, पल पल की खबरें देते रहूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए फ्रेंड्स, हालांकि यहाँ पर ग्रुप डी के लेकर हलचल हो रही है रिजल्ट के लेकर, क्योंकि ग्रुप डी का रिजल्ट जो है कभी भी जारी हो सकता है। और एक न्यूज़ के पेपर में बताया गया था कि दिसंबर में आपका ग्रुप डी का रिजल्ट जारी किया जाएगा और जनवरी से पीटी की मतलब करा ली जाएगी। तो रेलवे ग्रुप डी की कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम हुई थी वो कभी भी जारी कर सकता है, क्योंकि NTPC लेवल 5 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट और कटअप जारी की गई थी। इसके अलावा लेवल 5 के लेवल 6 DB का एडमिट कार्ड भी जारी किया गया था। इसके उम्मीद की जा रही है कि बोर्ड अब ग्रुप डी का रिजल्ट कभी भी जारी कर सकता है, इसलिए आप लोग रेडी रहिए। लेकिन रिजल्ट आज नहीं आएगा, रिजल्ट जो है कभी भी जारी हो सकता है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि रिजल्ट जो है आपको नवंबर महीना में नहीं आएगा, वो दिसंबर में ही आएगा, तो दिसंबर में ही आएगा। और फ्रेंड्स, कटअप के कम की बात करें तो यहाँ पर देखिए, टोटल 1,03,769 सीट जो थे उसमें से 20,734 पद जो थे वह अप्रेंटिक्स के थे, और अप्रेंटिक्स के स्टूडेंट जो है उतना पहुंचे ही नहीं। तो जितना भी पहुंचे, जो एग्ज़ाम में बैठे, उनका यहाँ पर सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि अप्रेंटिक्स का सीट जो है बहुत ही खाली रहने वाली है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 18-20 नंबर पर सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, क्योंकि अप्रेंटिक्स का उतना स्टूडेंट था ही नहीं। तो यहाँ पर अप्रेंटिक्स वालों के लिए बहुत ही बड़ी खबरें हैं, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि उनका सिलेक्शन तो पक्का हुए, अपने PET की तैयारी शुरू कर दे, PET में ना रुके, ठीक है। और एक बात ये कि RRB ग्रुप बी की परीक्षा कई परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई थी, मतलब पूरे देश भर में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर RRB ग्रुप डी के लिए चयन की प्रक्रिया जो है कंप्यूटर पर आधारित परीक्षा था, कंप्यूटर पर आधारित, अगर मतलब उसमें जितना सबसे ज़्यादा मार्क्स आएगा उन्हीं को चयन होगा। CBT परीक्षा के बाद RRB का एक शारीरिक परीक्षा आयोजित करेगा और अंत में चिकित्सा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आयोजित किया गया, मतलब PET होगा, फिर आपको मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में उम्मीदवार इन 3 चरणों का सफलतापूर्वक पास कर लेंगे तभी जाकर ग्रुप डी में के पद पर उनको भर्ती दिया जाएगा। तो आपको ग्रुप डी में जाने के लिए 3 चरण जो है वो पास करने होते हैं। सबसे पहले तो रिटर्न में अगर आपका मार्क्स सबसे ज़्यादा है, मतलब कटअप में नाम आ गया, तो आपको मेडिकल होगा और PET होगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन यहाँ पर होने वाली है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, ये 3 चरण जो है आपको पार करने के बाद में आपको सबसे पहले जो है यहाँ पर रिजल्ट आएगा, परिणाम घोषित होगा, ठीक है ना। परिणाम घोषित के बाद में तब जाके आपको कटअप जारी करेगा, पहले ही कटअप नहीं आ जाएगा, पहले आपका रिजल्ट शो होगा कि आपका PET में नाम आया कि नहीं। अगर PET में नाम आ जाएगा तो वहाँ यस करके लिखा रहेगा, अगर नहीं आएगा तो नो लिखा रहेगा, इसका मतलब आपने जो है कटअप लिस्ट में आपका नाम नहीं आया। तो इस तरीका से ये होता है और 3 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा PET में। PET में अगर पास कर जाते हो तो वेटिंग लिस्ट भी यहाँ अवेलेबल है, वेटिंग में रहोगे, ठीक है ना, मतलब जो जॉब नहीं करेगा उनको यहाँ पर हो जाएगा। तो PET में जाने के बाद में आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो जाता है कि हाँ आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाली है। तो यही मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था। रिजल्ट जैसे ही अपडेट किया जाएगा मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा इसी यूट्यूब चैनल पर, इसलिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना। साथ ही साथ कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़िए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।